अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज का जो हमारा ये व्लॉग स्टार्ट होगा ना, तो ये चाइनीज़ राइस की रेसिपी से स्टार्ट होगा। तो हमारी जो आज की रेसिपी है, चिकन चाइनीज़ फ्राइड राइस है, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या करा है, ऑयल ले लिया है, दो प्याली मैंने चावल भिगोए हुए थे, बासमती राइस थे मेरे पास, वो मैंने भिगो दिए थे 15 से 20 मिनट, और ये मैंने बॉईल करने रख दिए। थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ा सा सिरका डाल के, सिरका डालने की ये वजह होती है कि चावल जो होता है ना हमारा नरम नहीं पड़ेगा, यानी बिल्कुल लंबा लंबा एकदम से रहेगा चावल और बिछेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ ये थोड़ा मेरे पास आल की प्याज का जो वाइट वाला हिस्सा होता है ना, उसको मैं थोड़ा सा ये मैं ऑयल में सौते कर लूँगी, ठीक है। और ये मैंने देखें चिकन जो है ना, बोनलेस चिकन ली हुई है, इसमें मैंने थोड़ा सा चिकन टिक्का मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के रख दिया था, ये भी मैं क्या कहते हैं ऑयल में डाल के फ्राई कर लूँगी, ठीक है। एक ही हम लोग है ना बस पैन लेंगे, उसी को हम यूज़ करेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि सब्ज़ियाँ ये अलग पैन में और क्या कहते हैं चिकन अलग पैन में, तो इस तरह बहुत फिर चाइनीज़ राइस में जब बनाते हैं ना बहुत किचन फैल जाता है। तो एक ही बर्तन यूज़ करूँगी, इसी में सब चीज़ें बनाऊँगी मैं। तो ये चिकन थोड़ी फ्राई हो जाए, इसमें हम थोड़ी सब्ज़ियाँ भी ऐड कर देंगे, और इसमें हम काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, चिकन पाउडर, सोया सॉस, ये सब हम लोग रेडी करेंगे। अगर हमारे चावल रेडी हो जाएंगे तो हम फिर इन सब चीज़ों को मिक्स करके अपने हमारे बहुत अच्छे से चिकन फ्राइड राइस रेडी होंगे। चलें देखें ये चिकन थोड़ी फ्राई हो जाए, ठीक है ना, इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए, फिर इसमें हम ये देखें ऊपर से मैंने ये दम पे डालने के लिए हरी प्याज के जो पत्ते होते हैं ना, ये मैंने अलग से कर लिए। इसका वाइट वाला हिस्सा मैंने चिकन के साथ यूज़ कर लिया कि ज़ाया ना हो कोई भी चीज़। बंद गोभी ली है थोड़ी, दो मैंने इसमें मीडियम साइज़ की गाजरें कट कर ली थी, और इसमें मैंने शिमला मिर्च ली है, ठीक है ना। और दो अंडों का जो है ना, मैं ऑमलेट बना के रेडी कर लेती हूँ, इतने चिकन हो रही है ना, तो दो अंडों का ऑमलेट बना के रख लेती हूँ ताकि सारी चीज़ें हमारे पास हो ना, तो एकदम से हमारे फ्राइड राइस रेडी हो जाएं। चलिए चिकन हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको इसमें देखें टिक्का मसाला नहीं ऐड करना ना, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा फ्लेवर देना था चिकन को, तो आप ना डालें, इसमें कोई मसाला नहीं है, आप चिकन ऐसे ही डाल दें। इसमें काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च डलेगी तो उसमें वैसे भी फ्लेवर आ जाएगा, बस थोड़ा मुझे इसको चिकन को अच्छा सा फ्लेवर देना था ना, तो मैंने यूँ इसमें टिक्का मसाला डाला है। अच्छा देखें, ये मैंने दो एग ले लिए थे, ठीक है ना, इसमें मैं थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा फूड कलर इसमें मैंने यूज़ करा है, ठीक है। अब इसका मैं ऑमलेट रेडी कर लूँगी, ठीक है ना, क्योंकि अब सर्दियाँ आने वाली हैं, तो सर्दियों में ना ज़रा ये चाइनीज़ राइस और चाइनीज़ राइस वग़ैरह, चिकन मंचूरियन, चिकन चिली ड्राई वग़ैरह, इस तरीके की चीज़ें ना सर्दियों में ज़्यादा मज़े की लगती हैं। तो आज हमदान की फरमाइश है कि मम्मा मुझे है ना फ्राइड राइस बना दें, तो बस मैंने सोचा चलो आज अपने बच्चे को बना के दे ही दूँ, नहीं तो वरना मुझे है ना कोई ख़ास लगाव नहीं है चाइनीज़ से ना इतना, लेकिन मैंने कि सोचा चलो खा लेंगे ना हमदान, तो ये है कि इनको पसंद है चाइनीज़ चीज़ें। देखिए ये हमारी चिकन हो चुकी है, ठीक है ना, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, ये मेरे पास जो है ना सब्ज़ियाँ हैं ना, ये सब्ज़ियाँ ऐड कर दूँगी इसमें। अच्छी तरह मैंने धो के इनको रख लिए ना, ठीक है, ताकि साथ साथ सारी चीज़ें हो जाएं हमारे, और राइस भी हमारे जो है ना बॉइल हो रहे हैं। सब्ज़ियों को आप इतना नहीं पकाइएगा, बस ये इसी ऑयल में हो जाएंगी, हल्की सी नरम पड़ जाएंगी ना, फिर हमने इसको फ्लेम को ऑफ कर देना है, ठीक है। अब मैं इसमें जो है ना चिकन पाउडर है मेरे पास, थोड़ा हम इसमें फ्लेवर के लिए चिकन पाउडर यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें अगर आपके पास क्यूब्स है ना तो क्यूब्स ऐड कर लें, चिकन क्यूब्स होता है वो ऐड, नहीं तो चिकन पाउडर डाल लें। थोड़ी हम इसमें पिसी हुई सफ़ेद मिर्च होती है ना वो डालेंगे, कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, देखें कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, और जब चावल ऊपर से डालेंगे ना हम इसमें, जब भी हम थोड़ी सी इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें ना हरी मिर्ची वगैरह नहीं यूज़ होती, तो इसमें सिर्फ काली मिर्चों को और वाइट सफ़ेद मिर्च जो होती है ना
उसी का फ्लेवर होता है, उसी से ये थोड़े से स्पाइसी भी होते हैं, इतने ज़्यादा भी स्पाइसी नहीं होते, हल्का सा टच होता है स्पाइस का ना इसमें। अब मैं जो है ना ये सब मिक्स कर लूँगी, इसमें मैं थोड़ा सा सिरका ऐड करूँगी, सोया सॉस और चिली सॉस ऐड करके इसको थोड़ा सा पकाऊँगी, ठीक है ना। इतने मैं आमलेट रेडी कर लूँगी और बहुत आसानी से हमारे ये चाइनीज़ राइस रेडी हो जाएंगे। थोड़ा मैं इसमें सिरका ऐड करूँगी, ठीक है, सोया सॉस जाएगा इसमें, जिस हिसाब से आप जिस क्वांटिटी से बता रहे हैं ना उसके हिसाब से ये सब आप इसमें डालिएगा। चिली सॉस जाएगी इसमें। अच्छा, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और इसको फिर थोड़ी देर के लिए पकाऊँगी ताकि ये जो हमारा सब्ज़ियों का पानी है ना, देखें ये खुश्क हो जाए, बस इस पानी को हमने खुश्क करना है। चावल बॉयल हो रहे हैं ना, तो मैंने इसमें नमक डाल दिया था, थोड़ा सा नमक मैं इसमें भी ऐड करूँगी, इसमें इतना ज़्यादा नमक नहीं जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए ना, तो थोड़ा सा आप इसमें ना ये कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करें, थोड़ा मैं देखें इसको स्पाइसी टच देने के लिए इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, बस थोड़ी सी। थोड़ी हम इसमें चीनी डालेंगे ताकि हमारी सब्ज़ियों का है ना कलर चेंज ना हो, ठीक है। बस देखें ये हमारा जो है ना ऑमलेट भी कितना अच्छा सा रेडी हुआ है, मैंने इसमें जो कलर डाला था ना, और चिकन भी हमारी हो चुकी है, सब्ज़ियाँ भी हो चुकी हैं, और ये जो देखें राइस है ना मैंने बॉईल करके रख लिए। अब इन सब चीज़ों को है ना मैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, तो आपको दिखाती हूँ। लाइट जाने वाली है इस वजह से मैं बहुत जल्दी जल्दी ये काम कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैंने इसको सिलेंडर पे रख दिया है ताकि तेज़ आंच में बहुत अच्छे तरीके से पानी खुश हो गया इसका, ठीक है। अब मैं इसमें जो है ना राइस ऐड कर दूँगी। बस ये हरी प्याज के पत्ते हैं, ये ऐड करूँगी इसमें। बस देखिए, पानी खुश करने के लिए मैंने इसको सिलेंडर पे रखा था। अब देखें इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इतने अच्छे से ये जो है ना हमारे चाइनीज़ राइस रेडी हुए हैं। थोड़ा हम इसको दम पे रखेंगे, ठीक है। और ये मैंने जो ऑमलेट बना के रखा है ना, ये इसमें मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है, ये भी ऐड कर देंगे इसमें। अब आपको इसमें है ना जिस चीज़ की कमी लगे ना, नमक की या थोड़ी सी आपको स्पाइसी करने, तो इस वक्त आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़े से दम पे आएंगे ना, तो फिर मैं आपको इसको टेस्ट करके भी बताऊंगी कि कैसे हमारे चाइनीज़ राइस जो है ना ये रेडी हुए हैं। वैसे नमक वगैरह सब इसमें परफेक्ट है। थोड़ा सा हम इसमें ऊपर से और काली मिर्चें जो पिसी हुई है ना हमारे पास, वो ऐड करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए मैं दम पे रख दूँगी, ठीक है ना। मिक्स कर लें इसको बिल्कुल अदर अदर हाथों से ना, कि चावल हमारे टूटे नहीं, बिल्कुल खिले खिले होते हैं इसमें। और ये जितना देखने में आपको अच्छे लग रहे हैं ना, ये खाने में भी नहायत ही मज़ेदार हैं। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जो भी रेसिपी मैं बनाती हूँ ना अपने तरीके से बनाती हूँ, हर किसी का एक अपना अपना अलग तरीका होता है, लेकिन मैं इसको अपने तरीके से बनाती हूँ, जिस वे में मुझे आसान लगता है ना, तो वो मैं रेसिपी आपको देती हूँ कि आप लोग आसानी से रेसिपियाँ ये यूज़ करें और बताएं कि किस तरीके की बनती हैं। चले, मैं इसको 5 मिनट के लिए सिर्फ दम लगाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है ना। चले, मैं इसको दम पे लगाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। बहुत हमारे ज़बरदस्त रेडी हुए हैं, और इस पे केचप डाल के खाएं, बहुत मज़े की लगती है। जिस तरीके से भी खाएं आप, इसको ऐसे भी खाएंगे ना, तो आपको ये फ्राइड चाइनीज़ राइस बहुत मज़े के लगेंगे। 5 मिनट के लिए मैं दम पे रखती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमदान आएंगे, उनको भी खिलाऊंगी और मैं भी खाऊंगी, तो मैं ट्राई करके आपको बताऊंगी किस तरीके के हमारे रेडी हुए हैं। चलें जी, देखें ये मैं हमदान के लिए अब राइस निकाल रही हूँ। 5-10 मिनट मैंने इसको दम पे लगाया था, लाइट हमारी जा चुकी है, तो राइस ये रेडी हो गए थे ना।
चाइनीज राइस हमारे ये रेडी हो गए थे, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूं। और देखें ये अंधेरा हो रहा है, घर में अंधेरा हो रहा है क्योंकि चलो जी हम दान ये खाएंगे फिर बताएंगे किस तरीके के बने, और मैं भी आपको है ना टेस्ट करके बताती हूँ। देखने में तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। ज़बरदस्त, बहुत फ्लेवरफुल बने ये, और हर चीज़ का है ना इसमें बहुत अच्छा टेस्ट, अलग अलग टेस्ट आ रहा है हर चीज़ का। बाज़ार में अगर आप खाएंगे ना चिकन चाइनीज़ राइस ये खाएंगे तो आप उसमें कोई फ्लेवर नहीं होता, ऐसा लगता है पीके पीके से चावल खा रहे हैं। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और नए देखने वालों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो नए देखने वाले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमदान ने बनवाएं तो हमदान भी बताएंगे आपको। ये इस पर केचप डाल के खाओगे? नहीं, वैसे ज़रूरत नहीं है केचप की, फ्राइज डाल के खाएंगे। फ्राइज डाल के कैसे बने ज़रा थोड़ा बता दो। थोड़ी सी ग्रेवी होती है ना, पूरे मंचूरियन वगैरह वो लगते हैं। तो ग्रेवी तो वो तो चिकन में होती है ना, फ्राइड राइस तो ऐसे ही होते हैं। चलो आप एंजॉय करो, और देखें अंधेरा हो रहा है घर में, मैं भी बस अभी शाह का टाइम हो चुका है, नमाज़ पढ़ूंगी। अगले व्लॉग तक के लिए, अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।